नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव, मैं आपके साथ हूं खुशी। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपर फास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को याद कर इमोशनल हुई अंकिता लोखंडे, बोली वो मेरे लिए सब कुछ था, मुझे यकीन है वो जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा। डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स 3 का हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रोमो शेयर किया गया है। इसमें अंकिता लोखंडे और उषा नंदकरणी स्पेशल गेस्ट के रूप में नजर आई। इस प्रोमो में एक कंटेस्टेंट ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दिवागन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को डेब्यू दिया और इस परफॉर्मेंस के दौरान सुशांत सिंह की फोटो भी दिखाई, जिसे देखकर अंकिता और उषा काफ़ी इमोशनल हो गई। शो में अंकिता ने अपने सुशांत के रिश्ते पर बात करते हुए कहती है वो मेरे लिए सब कुछ था, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त था, वो मेरे लिए सभी कुछ था और मुझे यकीन है वो जहाँ भी होगा बहुत खुश होगा। आपको बता दें 14 जून 2022 को सुशांत सिंह का 23 साल में उम्र में निधन हो गया। वो मुंबई में बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। श्रीलंका ने 4 साल बाद लिया नागिन डांस का बदला। 2018 में निदाहास ट्रॉफी का फाइनल खेलने से चूक गई थी टीम, बांग्लादेश ने रास्ता रोका था। श्रीलंका का अगला मुकाबला 3 सितंबर को अफगानिस्तान से होगा। UAE में एशिया कप का रोमांच जारी है, सभी टीम अपना दमखम दिखा रही है। शुक्रवार को श्रीलंका ने बांग्लादेश पर 2 विकेट की जीत दर्ज की। इस रोमांचक जीत के बाद श्रीलंका खिलाड़ी नागिन डांस करते दिखाई दी। वे बांग्लादेश खिलाड़ी और फैंस को चिढ़ा रहे थे। दरअसल बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 123 रन बनाए थे और दूसरी पारी में ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका के बल्लेबाज इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे। ऐसे में उसके फैंस दर्शक दीर्घा में नागिन डांस कर रहे थे, लेकिन आखिरी श्रीलंका टीम जीत गई और फिर उन्होंने नागिन डांस किया। याद दिला दे कि 4 साल पहले 2018 में बांग्लादेश ने श्रीलंका को काफ़ी हराया था। श्रीलंका निदाहस ट्रॉफी के फाइनल से चूक गई थी। उसके बाद मैच में बांग्लादेश खिलाड़ियों ने नागिन डांस किया था, तभी यह पहली बार चर्चा में आई। कुशल मेडेस दासुग कह रहे थे हीरो, मैंने ऑफ द मैच कुशल मेडेंस ने 60 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। बांग्लादेश की ओर से सबसे ज़्यादा रन का आफीफ हुसैन ने बनाए। उन्होंने 22 गेंदों का सामना किया और चार चौके और दो छक्के मार दिए, मदद से 29 रन के पारी खेली। मेहंदी हसन मिराज के बल्ले 38 रन निकले। मोसद के हुसन ने आखिरी ओवर में धमाकेदार बल्लेबाज करते हुए सिर्फ 9 गेंदों में 24 रन पारी खेली। नोएडा जैसे हाल फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद के बिल्डरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। बार ऐसी सिकेशन के पूर्व प्रधानमंत्री बोले नोएडा जैसे हालत यहाँ भी कर रहा है बिल्डरों ने, आम जनता हो रही है परेशान। नोएडा में ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डरों की मनमानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी है। फरीदाबाद पर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट LN पराशर बिल्डरों ने की मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। उनका कहना है कि ग्रेटर फरीदाबाद में कई नामी गिरामी बिल्डरों ने अपनी रसूख का इस्तेमाल करके खरीदारों का शोषण कर रहे हैं और लाखों रुपए का भुगतान किसी तरह का फ्लैट खरीदा है और इसके लिए उनकी क्वालिटी बेहद घटिया है। पराशर का कहना है कि फरीदाबाद में कई बिल्डरों का आतंक मचा रहा है और सैकड़ों लोग जमा पूंजी के हड़पने के खिलाफ थे, जनता को बड़ा सपना दिखाकर लूट रहे थे। उन्होंने कहा है कि लोगों की खाली ज़मीनें दिखा बोलते थे कि दीनदयाल योजना का लाइसेंस पास हो गया है, जल्दी यही निर्माण शुरू होगा और वहाँ पैसे ऐठाना शुरू कर देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इनका कोई लाइसेंस भी पास नहीं हुआ। जो फ्लैट बन रहे थे उनकी भी क्वालिटी बेहद ख़राब थी। बिल्डरों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कोई सुनने वाला नहीं था।
एडवोकेट ने कहा कि ग्रेटर फरीदाबाद में आए दिनों बिल्डरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे बिल्डरों की शिकायत का पुदीदा तैयार किया जा रहा है, जल्द ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका तैयार की जाएगी। उम्मीद है कि इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के बिल्डर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है, उसी तरह फरीदाबाद में एक्शन होगा। आज की खास खबरों को यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे यही जगह इसी समय, देखते रहिए MNS न्यूज़। नमस्कार।